दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 4 T20 मैचों की सीरीज अफ्रीका में खेली जाएंगी। आपको बता दूं 4 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला 10 अप्रैल को जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जाएगा। तो पहले T20 मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी होंगी जानेंगे हम इस वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों आपको बता दूं हाल ही में पाकिस्तान और अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज पाकिस्तान में खेली गई थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ अलग अंदाज में दिखाई देंगी। आपको बता दूं हाल ही में खेला गया PSL जो पूरा नहीं हो सका, उसमें कई खिलाड़ियों ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से शानदार खेल दिखाया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बनना बिल्कुल तय है। बात करें ओपनिंग की तो ओपनिंग में कप्तान बाबर आजम खेलेंगे, जबकि बाबर आजम के साथ PSL में शानदार शतक लगाने वाले शर्जिल खान की वापसी होंगी। शर्जिल खान ने PSL में शतक लगाने के साथ साथ 5 मुकाबलों में 200 रन बनाए। नंबर 3 पर तजुर्बेकार बल्लेबाज मोहम्मद हफीज़ की वापसी होंगी। आपको बता दूं मोहम्मद हफीज़ ने अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं खेला था, लेकिन अब एक बार फिर से मोहम्मद हफीज़ की नंबर 3 पर वापसी होंगी, जबकि नंबर 4 पर इस समय PSL में शानदार खेल दिखा रहे विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, जबकि नंबर 5 पर युवा और होनहार बल्लेबाज हैदर अली खेलेंगे जो लंबे शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 पर बतौर ऑलराउंडर शादाब खान खेलेंगे जो स्पिन का डिपार्टमेंट भी संभालेंगे, साथ ही साथ शादाब खान नंबर 6 पर बल्लेबाजी भी करते दिखेंगे। नंबर 7 पर एक और ऑलराउंडर इमाद वसीम खेलते दिखेंगे, जबकि नंबर 8 पर इस समय शानदार फॉर्म में दिख रहे फहीम अशरफ खेलेंगे। अब बात करें तेज गेंदबाजी की तो नंबर 9 पर हसन अली खेलेंगे जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और T20 में शानदार खेल दिखाया। वही नंबर 10 पर शाहीन आफरीदी खेलेंगे, जबकि नंबर 11 पर एक और तेज गेंदबाज डेब्यू करते दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शहनवाज धानी की, जिन्होंने PSL में अपनी तेज गेंदों से सबको चौंकाया और PSL में 9 विकेट भी झटके थे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।